गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। गूगल पर हर रोज 8.5 बिलियन सर्च होते हैं। इंटरनेट यूज करने वाला हर शख्स गूगल पर डेली कुछ न कुछ सर्च करते हैं। इंटरनेट की दुनिया में लगभग गूगल की हर एक प्रोडक्ट फ्री टू यूज है, लेकिन फ्री टू यूज होने के बावजूद भी गूगल की नेटवर्थ $2.218 trillion है। कैसे, क्या है गूगल का हिस्ट्री, गूगल कहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, आइए गूगल की बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, एनएन वर्ल्ड की फिर से एक नए वीडियो पे आपका स्वागत है। देखो, गूगल की स्थापना 1998 में एक कॉलेज प्रोजेक्ट के तहत लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने की थी। अब गूगल हमारी जिंदगी का आम हिस्सा बन चुका है। अमेरिकी गणितज्ञ केसनर का एक किताब है मैथमेटिक्स एंड द इमेजिनेशन। उस किताब में उन्होंने 100 जीरो के साथ नंबर के लिए गूगल शब्द का इस्तेमाल किया, मतलब एक के बाद अगर 2 जीरो हो तो उसे 100 कहते हैं, अगर 3 जीरो हो तो उसे 1000 कहते हैं, इसी तरह अगर 100 जीरो हो तो उसे गूगल कहते हैं। 1998 में जब कंपनी की शुरुआत की गई तो को फाउंडर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने नाम गूगल तय किया। वो दोनों इंजीनियर थे इसलिए इस शब्द को बाखूबी जानते थे और इसी से इंस्पायर होकर नाम गूगल रखा। इसके पीछे उनका मकसद दुनिया भर की जानकारी को एक जगह एक साथ करना था। गूगल का फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंट ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। समय के साथ गूगल ने अपने प्रोडक्ट के फ्री बेस सर्विसेज के जरिए लोगों का दिल जीतने लगा। साल 2000 में गूगल ने पहला बड़ा कदम उठाया जो आज गूगल का 40-70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। वो है गूगल का एडवर्ड्स, जो आज के दिन गूगल एडसेंस के नाम से जाना जाता है। इसके चलते कंपनियां पैसा दे सकते थे और अपने एड्स को रन करवा सकते थे। खैर, वक्त के चलते गूगल ने धीरे धीरे और भी कई सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू किया। 2004 में गूगल ने जीमेल रिलीज करता है। फिर अगले साल यानी 2005 में गूगल मैप इंट्रोड्यूस किया। फिर 2006 में गूगल ने यूट्यूब को खरीदा। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि शुरुआत में यूट्यूब एक अलग कंपनी हुआ करती थी। फिर वो 2005 ही था जब यूट्यूब को गूगल ने खरीदा। फिर 2008 में गूगल का वेब ब्राउजर गूगल क्रोम लॉन्च करता है, जो आज के दिन सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले ब्राउजर में से एक है। फिर उसी साल गूगल एंड्रॉयड रिलीज करता है। ये वही ऑपरेटिंग सिस्टम जो ज्यादातर मोबाइल में डाला हुआ है। आगे चलकर गूगल ने अपना हार्डवेयर प्रोडक्ट भी लाते हैं, जैसे कि पिक्सेल स्मार्टफोन, पीसी वगैरह। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर से भी रेवेन्यू आता है। एप्स और गेम्स के डाउनलोड से गूगल को कमीशन मिलता है। ओवरऑल गूगल के पास कई सारे सोर्स है पैसा कमाने के लिए, इसी वजह से एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आज गूगल एआई के फील्ड में भी पीछे रहने वाला नहीं है। गूगल ने अपना एआई टूल गूगल बार्ड्स लाते हैं चैट जीपीटी के मुकाबले। दोस्तों, आइए गूगल की रेवेन्यू डाटा को देखते हैं। गूगल की 2022 में टोटल रेवेन्यू $280 बिलियन, जिनमें से 58 यानी $162 बिलियन आते हैं गूगल पे दिखाई जा रही एड्स से। उसके बाद सेकेंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है गूगल नेटवर्क एड्स। अलग अलग वेबसाइट के बीच जो एड्स दिखाए जाते हैं उससे गूगल कमाते हैं $32.78 बिलियन। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है यूट्यूब एड्स, $29.24 बिलियन यहाँ से आते हैं। यानी यूट्यूब वीडियो के दौरान जो एड्स दिखाए जाते हैं उससे यूट्यूब क्रिएटर को 55% मिलता है और बाकी बचे 45% यूट्यूब खुद रख लेता है। और टोटल क्रिएटर का जो शेयर बनता है वो गूगल की टोटल रेवेन्यू का 10% है। और इसी तरह गूगल प्ले स्टोर से भी जब कोई एप्स को बेचता है प्ले स्टोर के जरिए तो उससे 70% रेवेन्यू एप्स बनाने वाले के पास होता है और बाकी बचे 30% गूगल के पास। तो इन एप्स की सेल से और फोन लैपटॉप वगैरह से आने वाले रेवेन्यू फोर्थ नंबर पर आता है $29.06 बिलियन के साथ, जो गूगल की टोटल रेवेन्यू का अराउंड 10% है। और आखिरी सोर्स है गूगल क्लाउड, जिससे गूगल कमाते हैं $26.86 बिलियन।